अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHSED कराची के सेक्टर 14B में। मेरे पीछे तो आपको काफ़ी टाउन हाउसेज नज़र आ रहे हैं। ये जो प्राइवेट डेवलपर्स को 300 नंबर ऑफ प्लॉट दिए थे, जिसके ऊपर टाउन हाउस बनाने के लिए इनको प्राइवेट डेवलपर्स को DHA ने दिए थे। बट प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो बाकायदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आज ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए जा रहा हूँ कि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर चुके हैं। आपको मेरे पीछे ये बेसमेंट भी नज़र आ रहा है, और ये बेसमेंट वाला घर हम बना रहे हैं। इसकी लोकेशन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्टर 14B में प्लॉट नंबर 1457 1457 सेंट्रल बुलेवर्ड से, जैसे ही सेंट्रल ड्राइव से आप आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से राउंड अबाउट जैसे ही घूमेंगे तो ये प्लॉट कॉर्नर का प्लॉट आपको नज़र आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम प्राइवेटी डिगिंग कर चुके हैं, और ये पहली कंस्ट्रक्शन सेक्टर 14B में है वो जो कि प्राइवेटली हो रही है। बाकी टाउन हाउसेज प्राइवेट डेवलपर्स की तरफ से बनाए जा रहे हैं, ये आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरे साथ मौजूद हैं नईम भाई, और ये प्रोजेक्ट को मैनेज भी कर रहे हैं और हमारे इंजीनियर भी हैं। तो मैंने इनको साथ इसलिए ज़्यादा रखा कि ताकि अगर मैं कोई आपको बात बता रहा हूँ तो उनकी जो ज़बानी होगी वो ज़्यादा समझने में भी आसानी रहेगी, और यही इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और यही तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। नईम भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप काफ़ी इसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अपने व्यूअर्स को आपके जवाब पहुँचे, तो मैं इस तरह सवाल पूछूंगा कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो इसको पूरा कवर कर रहे हैं वो 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर कवर कर रहे हैं। नहीं भाई, बहुत सारे हर्डल्स आए सारे बनाने से पहले। एक तो वो कंस्ट्रक्शन है जो कि डेवलपर्स को DHA ने दिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो वैसे ही इनके सॉल्व हो गए क्योंकि नंबर ऑफ क्वान्टिटी थी उनके पास, और डॉक्यूमेंटेशन भी इजीली इनकी, हमें डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सारे टाइम देना पड़ा। बिल्कुल सर। फिर हमने यहाँ पर शुरू किया। क्या ऐसे चीज़ें आपके सामने फेस करनी पड़ी आपको कि यहाँ तक आप पहुँचें बेसमेंट तक? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं बनी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 डेज के अंदर जब हमने इसकी एक्सीबिशन करके हमने इसकी PC कर दी है। सही है। सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह के इस पूरे DHA के अंदर जो हमारे इस वक्त जो प्लॉट जिस पोजीशन पर है कि इसके अंदर रॉक का इशू नहीं आया। ओके जी सर। और हमने इसके अंदर सबसे पहला प्रपोजल ये रखा है, हमने इसको बेसमेंट में लिया है, जिसका हमने अभी इसकी एक्सीबिशन डीप हमने ली थी 7.5 और रोड लेवल से पॉइंट प्लस 4 है। तकरीबन 10.5 फीसद की इंटरनल बेसमेंट स्लैब आ जाएगी जो कि एक आपके रहने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगा 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो हम इस पे बेडरूम दे रहे हैं वो 5 बेडरूम दे रहे हैं। बेसमेंट में एक कर रहे हैं, ग्राउंड पे 1 बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग किचन, इसके अलावा फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स मिलते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन के कुछ डिटेल्स हैं। इसको बेसमेंट जिस तरह नहीं मैंने बताया बेसमेंट हम दे रहे हैं, कितना फिट हमने नीचे रख रहे हैं इसको? सर हम इसको 9.5 फुट नीचे लेके गए। ठीक है। और इसकी इसका फ्रंट जैसे 25 है और 45 इसका फ्रंट है, इसका 25 और लेंथ इसकी 45 है। एंट्रेंस कहाँ से दे रहे हैं सर? इसकी एंट्रेंस हम लेफ्ट हैंड साइड से दे रहे हैं जो इनके बायलॉज में अप्रूव है। अच्छा, बायलॉज में अप्रूव है जी सर। यहीं पर टैंक भी दे रहे हैं हम? सर यहीं पर हम इसको मैक्सिमम टैंक दे रहे हैं कि जो ये बिल्डर्स भी नहीं दे रहे हैं। हमारा इसी घर के अंदर 4000 गैलन का टैंक है। अच्छा, 4000 गैलन का टैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम चूँकि बना इसमें रहे हैं 5 बेडरूम्स और बेसमेंट में, चूँकि हम DHA के बायलॉज के मुताबिक हमें चलना है तो हम वहाँ पर वॉशरूम नहीं दे रहे, लेकिन बेस पूरा रूम का एक एरिया कवर कर रहे हैं। तो 4000 गैलन का स्पेस हमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो हमने रखा है कि अगर एक बड़ी फैमिली है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ रही होती है। बट इसके लिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ फेज़ 8 या डिफेंस वाला सिस्टम नहीं है, प्रॉपर पानी की पाइपलाइंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं और पानी यहाँ पर ईजीली आपको मिलेगा। तो इसके अलावा थोड़ा सा नहीं भाई ये भी बताइए कि हम ग्राउंड लेवल से इसको कितना ऊपर लेके जाएंगे? सर हम इसको रोड लेवल से 4 फीट ऊपर लेकर जाएंगे, रोड लेवल ग्राउंड लेवल आएगा। सही है। अच्छा, हम चूँकि बना रहे हैं अपने उन देखने वालों के लिए जो यहाँ पर ख़रीदना चाह रहे हैं घर। अच्छा, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में आपको एक फ़ायदा ये होता है कि हम उस प्लानिंग से बनाते हैं कि जो रहने के लिए प्लानिंग हो, क्योंकि स्टील सीमेंट ये वो इतनी मज़बूत चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही होती हैं जो यूजुअली जब एक क्वांटिटी में डेवलपर कर रहा होता है तो वो थोड़ा सा कॉस्ट को देखते हुए अपने आप को बचा रहा होता है। लेकिन ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। नहीं भाई चले आप ही बता दें कि हम सर इस वक्त हम डिगिंग पर खड़े हुए हैं और हमारा भी हार्ड स्ट्रक्चर का वर्क है, लिहाजा इसके मुताबिक अभी हमने जो सबसे बेहतरीन डी फॉर्म 60 ग्रेड जो पाकिस्तान के सबसे पहली फर्स्ट एंड लॉन्चिंग 60 ग्रेड का माल मैन्युफैक्चरिंग किया है अमरेली का, वो हम इसकी बिल्डिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं। सही है। हम सबसे बेहतरीन जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है लकी स्टार का सीमेंट सल्फेट,
वो हम इसकी प्लेंथ लेवल तक यूज़ करेंगे, बेसमेंट की स्लैब तक इंशाल्लाह। तो इसमें सर जितना भी मटेरियल सब स्टैंडर्ड और अच्छा लगाया जाएगा ताकि इसमें किसी चीज़ की कमी ना रहे, ना किसी चीज़ का कोई ऑब्जेक्शन हो, क्योंकि लेने वाला भी मुतमईन रहे। अच्छा, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा नईम भाई की बात सुनकर कि यार अगर मैं इस घर को लेना चाहूँ तो बिल्कुल जी आपके लिए ही ये बनाया जा रहा है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी कंडीशन पेमेंट कंडीशन के ऊपर हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। हम इसको 6 महीने 8 महीने में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप 1 साल की पेमेंट प्लान पे भी ये लेना चाहते हैं तो आपको ड्राइंग बताते हुए जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो बताते हुए आपको बताएंगे और इसकी कॉस्टिंग आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि एज़ पर टुडेज़ मार्केट इसकी क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पड़ रही है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आप तक ये प्रॉपर्टी दूँ। हाँ, इसके अलावा ये कि अगर आप चाह रहे हों कि कंस्ट्रक्शन करवाना, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में ही हैं लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हों, चाहे सेक्टर 14 हो या कोई भी वो सेक्टर हो कि जहाँ पर अभी बनाने की परमिशन मिल गई है वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तमाम फैसिलिटीज़, तमाम आपको वो क्वालिटी मिलेगी कंस्ट्रक्शन की जो एक घर में रहने के लिए होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो वेदर है उस अकॉर्डिंगली वेदर फ्रेंडली आपको कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पहले प्रोजेक्ट से शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह तमाम आगे आपको फैसिलिटेट करेंगे और होपफुली ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। नईम भाई बहुत शुक्रिया। सर इसमें मैं एक पैगाम ये देना चाहूँ कि इसके अंदर जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे कि खरीदने वाला या बनाने वाला जिसका एक माइंड होता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ हो, ब्रांड से ब्रांड हो, वो सारी चीज़ें उनको मयसर होंगी ताकि उनके दिल में किसी तरीके की कोई रंजिश ना रहे या उनको किसी तरीके की कोई वो ना हो कि हमने ये चीज़ परचेज़ की है, हमारा ये होना चाहिए था, ये वो होना चाहिए। इंशाल्लाह मार्केट में स्पेन का टाइल, एक्रेलिक का किचन, अमेरिकन और आला ब्रांड मटेरियल यूज़ किया गया है ताकि मालिक इसको बाखुशी सहूलत से ले सके। और यहाँ पर ज़ाहिर है एक शहर से थोड़ा सा दूर हट के आपको कंस्ट्रक्शन करना, लेबर को रखना, फिर नईम भाई खुद पूरा दिन यहाँ पर होते हैं और इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है मैं तो वीकली बेसिस पे चक्कर लगा लेता हूँ लेकिन नईम भाई को पूरा टाइम देना पड़ता है तो मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा, काफ़ी वक्त देते हैं। लेबर को चलाना ज़ाहिर एक कंस्ट्रक्शन में एक टास्क होता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। अगर आप भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हों प्लॉट की परचेजिंग करते हुए या एक इस तरह की कोई डील हो जिसमें आपको प्लॉट और कंस्ट्रक्शन साथ दी जाए तो वो भी DHCD कराची के लिए अवेलेबल है। तो होपफुली इंशाल्लाह अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।